और रुक करेंगे अगली खबर का, और अगली खबर झांसी से है। बता दें झांसी के जिला अस्पताल में ईएमओ के पद पर कार्यरत एक डॉक्टर हैदराबाद से लौटा है, जिसके बाद प्रोटोकॉल के अनुसार की गई कोरोना जांच में उसे कोरोना से पॉजिटिव पाया गया। फिलहाल सतर्कता के लहजे से उसे होम क्वारंटाइन कर दिया गया है और इसके साथ ही कनेक्टिविटी ट्रैकिंग पर भी काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को जिला अस्पताल में कुल 85 एंटीजन टेस्ट किए गए थे, जिसमें केवल एक पॉजिटिव पाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको झांसी से बता रहे हैं जहां झांसी में कोरोना का पहला मरीज मिला है। एंटीजन टेस्ट में जो है वो पॉजिटिव आया है। हैदराबाद की यात्रा से लौटा था मरीज, होम आइसोलेशन में रखा गया है मरीज। झांसी के जिला अस्पताल में डॉक्टर के पद पर तैनात है कोरोना पेशेंट। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं झांसी से, जहां झांसी में कोरोना ने दस्तक दी है। बता दें कि झांसी में मिला कोरोना का पहला मरीज और एंटीजन टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हैदराबाद की यात्रा से लौटा था मरीज और होम आइसोलेशन में मरीज को रखा गया है। झांसी के जिला अस्पताल में डॉक्टर के पद पर तैनात है कोरोना पेशेंट। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त झांसी से बता रहे हैं, जहां झांसी के जिला अस्पताल में ईएमओ के पद पर कार्यरत डॉक्टर हैदराबाद से लौटा है, जिसके बाद प्रोटोकॉल के अनुसार की गई कोरोना जांच में उसे कोरोना से पॉजिटिव पाया गया है। फिलहाल सतर्कता के लहजे से उसे होम क्वारंटाइन कर दिया गया है और इसके साथ ही कनेक्टिविटी ट्रैकिंग पर भी लगातार काम किया जा रहा है। आज झांसी में एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आया है। उसकी हिस्ट्री है कि बाहर से आए हुए हैं, हैदराबाद से प्रॉब्ली आए हैं, जो अपने बच्चों के यहाँ गए हुए थे वहाँ से आए, तो रूटीनली उन्होंने जांच कराई तो पॉजिटिव पाए गए। एंटीजन था, आज हमने 85 एंटीजन टेस्ट कराए, इसमें से एक पॉजिटिव निकला है। बिल्कुल ही एसिम्प्टोमेटिक है, इनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही पॉजिटिव हुए उनको होम आइसोलेशन में कर दिया गया है और प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका जो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और इलाज होना है। लिए हमारी संवाददाता झांसी से संगीता राजभर लाइव जुड़ गई हैं। संगीता, झांसी में कोरोना की दस्तक हुई है और झांसी में पहला कोरोना का मरीज भी मिल गया है, क्या कुछ बड़ी जानकारी है आपके पास में? चलिए संगीता से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झांसी में कोरोना ने दस्तक दी है। झांसी में मिला कोरोना का पहला मरीज और बता दें कि एंटीजन टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हैदराबाद की यात्रा से लौटा था मरीज। और इसी खबर पर और ज्यादा विस्तार से बातचीत के लिए हमारी संवाददाता झांसी से संगीता राजभर लाइव जुड़ गई हैं। संगीता, झांसी में कोरोना की दस्तक हुई है और पहला कोरोना मरीज भी मिल गया है, क्या कुछ बड़ी जानकारी है आपके पास में? जी जी बोलते झांसी से कोरोना की शुरुआत हो गई है। जैसा कि हमने चलाई थी कि प्रदेश सरकार ने कोरोना को लेकर जो है आदेश जारी किया है, इसे में झांसी से इस कोरोना की शुरुआत होना बेहद चिंतापूर्ण तो है। हमें सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि एक डॉक्टर ही है जो ईएमओ के पद पर जिला अस्पताल में कार्यरत है और उनके कोरोना से चिंताजनक स्थितियां, क्योंकि डॉक्टर ने कई लोगों को परीक्षण भी किया था, कई मरीजों को देखा भी था। ऐसे में उनके कनेक्टिविटी ट्रैकिंग को ट्रैक किया जा रहा है कि इनके संपर्क में कौन कौन आया और उनसे जो है संपर्क कर इनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा के लहजे से जो है उनको होम क्वारंटीन कर दिया गया है, लेकिन एक बड़ी बात है कि वो जितने मरीजों के संपर्क में आए हैं उनके लिए चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिल्कुल संगीता, जैसे कि जानकारी मिल रही कि हैदराबाद की यात्रा से जो ये डॉक्टर हैं वो लौटे हैं और होम आइसोलेशन में उनको रख दिया गया। अगर बात करते हैं प्रशासनिक अमले की और बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग के महकमे की, तो क्या कुछ और एहतियाती कदम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल,
बिल्कुल संगीता, देखिए अगर बात करते हैं मंगलवार की, तो मंगलवार को जिला अस्पताल में कुल 85 एंटीजन टेस्ट किए गए और उसमें से एक रिपोर्ट जो है, एक पेशेंट जो है पॉजिटिव मिला है। अगर बात करते हैं महकमे की, तो क्या कुछ कहना है अधिकारियों का? का कहना है इस प्रकार है कि वे लगातार जो है ट्रैकिंग पर काम कर रहे हैं कि ईएमओ डॉक्टर नीरज जो है वे किस किस के संपर्क में आए थे, उस पर विशेष तौर पर जिन मरीजों को उन्होंने देखा था उनका पूरा रिपोर्ट खंगाला जा रहा है। और जो है स्वास्थ्य महकमा है पूरी तरह से अलर्ट है इस बार कोरोना से मरने के लिए, और स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पे क्वारंटाइन विभाग भी बना दिया है जहाँ पे लोगों को अगर जरूरत पड़ती है तो अस्पताल में अलग से इनके लिए जो है आईसीयू वार्ड प्रिपेयर किया गया है कोविड से लड़ने के लिए। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो यहाँ ऑक्सीजन का भी यहाँ पे मॉकड्रिल कराया गया है जिलाधिकारी के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का, जैसे कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो हमें किसी प्रकार की ऑक्सीजन जैसी चीजों का दिक्कत ना आए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए संगीता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको झांसी से बता रहे हैं, जहां पर झांसी में कोरोना की दस्तक हुई है। झांसी में कोरोना का पहला मरीज मिला है, बता दें कि एंटीजन टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और हैदराबाद की यात्रा से लौटा था मरीज, होम आइसोलेशन में रखा गया है मरीज और झांसी के जिला अस्पताल में डॉक्टर के पद पर तैनात है कोरोना पेशेंट।